न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। खबर रीवा से है, जहां आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए रीवा के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कई थाना प्रभारियों का फेरबदल किया है और इसी कड़ी में महिला निरीक्षक प्रियंका पाठक को विश्वविद्यालय थाने की कमान सौंपी गई है। पदभार ग्रहण करते ही विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने थाने स्टाफ की क्लास लेते हुए जहां अपराधियों को क्षेत्र छोड़कर भागने को कहा, वहीं आम जनता से अपराधियों की सूचना देने की भी बात कही है। विश्वविद्यालय थाने में मैंने कल शाम को पदभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकता है महिला अपराधों में कमी लाना और जो आपराधिक तत्व यहाँ पर काफ़ी उनकी गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं उन पर नकेल कस के शांति व्यवस्था कायम करना रहेगा। जो लूटपाट और हाईवे पर जो घटनाएँ अधिक बढ़ गई हैं छीना झपटी की, उन पर नकेल कस में मेरी प्राथमिकता रहेगी। महिला अपराधों पर शासन प्रशासन की सख्ती चल रही है, इसको लेकर क्या तैयारी है? महिला अपराधों के प्रति तो पूरा प्रशासन ही सख्त है और वो हमेशा हर थाना प्रभारी के लिए प्राथमिकता रहती है, और चूंकि मैं खुद महिला हूँ तो मेरी सर्वोत्तम प्राथमिकता महिला अपराध ही रहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को कोई भी प्रताड़ना या किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो सके, और यदि हुआ है तो उसमें त्वरित निराकरण हो और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्षेत्र की जनता से मेरी अपेक्षा है कि यदि उनके आसपास कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधि घटित हो रही है तो तत्काल थाना को सूचना दें, हमें सूचना दें, और जितना ज़्यादा वो हम पर विश्वास करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।